इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सिरोंज जिला बनाओ समिति के आह्वान पर आज सिरोंज के मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों जैसे जमीयत उमाला हिंद, शहर काजी सिरोंज, लटेरी मुस्लिम समाज, मुस्लिम महासभा, मुस्लिम विकास परिषद, मुस्लिम त्योहार कमेटी आदि सभी मुस्लिम संगठनों ने सामूहिक रूप से सिरोंज जिला बनाए जाने के लिए माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिरोंज के लिए ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन से मांग की कि शीघ्र अति शीघ्र सिरोंज को जिला बनाया जाए, क्योंकि जिला विदिशा में कुल 12 तहसील हैं, जिसमें से अधिकतर तहसील के जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। आमजन को जिला मुख्यालय जाने के लिए अधिक खर्च और समय की बर्बादी होती है और आमजन जो समाज के निचले तबके में आता है उसे जिला मुख्यालय तक जाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय तक अपनी मांगों को लेकर जा रही है नहीं पता और न्याय से वंचित रह जाता है। ज्ञापन का वाचन करते हुए मुस्लिम समाज के अध्यक्ष डॉक्टर वसीम ने कहा कि मध्य प्रदेश का गठन दिनांक 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के गठन के समय राजस्थान राज्य से सिरोंज जिले को लेते हुए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में तहसील के रूप में सम्मिलित किया गया था, जबकि सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राजस्थान में अक्टूबर 1949 तक जिले के रूप में रहा, परंतु सरवन एवं बैटरी की जनता के साथ अन्याय करते हुए शासन प्रशासन ने तहसील का दर्जा दिया है। विपक्ष की तरफ से कभी प्रदर्शन नहीं किया जाता, ये आप लोग ही नॉलेज में होना चाहिए। कभी भी प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जाता है और एक सशक्त विपक्ष होता है जिसके अंदर हमें जरूरत नहीं है कि सत्ता पक्ष को खुद पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सोए हुए हैं और वो उठ नहीं रहे कुंभकर्ण की नींद से। हमारे यहाँ कई समस्याएं ऐसी हैं जो सत्ता पक्ष नहीं उठाता, और जब वो विपक्ष में था अभी 15 महीने की गवर्नमेंट बनी कमलनाथ जी की, उसके अंदर सत्ता पक्ष जो थे उन्होंने आवाज़ें उठाई। तो इसमें जनता के भले के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं आ रहे। जो आए उसका स्वागत है और लोगों को जाग के, क्योंकि जनता का फायदा है इसमें जिला बनने में, इसलिए हम किसी से उम्मीद नहीं, हमें सबसे उम्मीद लगाना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये नहीं आ रहा ये उनका सोच है, लेकिन हमारी ये सोच है कि कोई भी अच्छा काम के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए कि जिससे अच्छा काम हो। हमने आज ज्ञापन दिया है, हमने ये सोच का पुराना जो हमारा सम्मान था, बल्कि हमारी मांग नहीं है, क्योंकि हमारा जिला रहा है बत्ता बरस से, हमारे पूर्वजों ने हमें जिला ही छोड़ा था, लेकिन आज हमारी हमारी सरकार तहसील में रह रहे हैं, लिहाजा हमारा सम्मान हमें वापस किया जाए ना जी। और हम सबका जी, पूरे मुस्लिम समाज का हमें सब मिलकर एक ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि जिला भी यही इस चीज़ को बनाएंगे। आपको लगता है कि सिरोंज जिला बन सकता है, संभावना है? सेंटर है हर जगह से जी, कहीं से भी आप देखिएगा, आप यहाँ इंदौर, ग्वालियर, सारी जगह है सेंटर होता है जी। हमारा जिला है जिला, हमारे यहाँ से 87 किलोमीटर दूरी है जी, बहुत परेशानी है। हमारे यहाँ के देहाती लोग बहुत परेशान होते हैं जी, जो 200-150 किलोमीटर जो अपना जिले में पहुँचना पड़ता है उसको, जब भी कभी किसी को कोई काम होता है तो सिरोंज एक ऐसी जगह है कि बीच सेंटर होता है, बीच सेंटर के अंदर सब लोग आसानी से आवागमन कर सकते हैं, अच्छे रोड हैं, हाईवे से मिला हुआ है सिरोंज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।